जाट को मुझे अब जाट है सरकार में और लोकदल जाट का हम भरे जाट में मैं जाट कमेटी से हूँ और लोकदल के पीछे जाट है। एक वोट नहीं मिलना जाटों का, वोट बंधन के नाम पर नहीं मिलना, गठबंधन नाम पर नहीं मिलना। अच्छा जैन अकेले होते जिन चोरों ने इलाज करा हमारे साथ गठबंधन कर ले क्या मतलब क्या इलाज किया क्या नहीं किया बीजेपी उसने अखिलेश ने यहाँ क्या किया दंगा उसने करा यहाँ उसने करा आजम खाओ उसने लगा के अच्छा अच्छा दंगा किसने रामपुर वालों समझ दंगा यहाँ करा अच्छा हाँ और उनके साथ हम गठबंधन कर लिया जाट वोट नहीं दे एक वोट नहीं मिला कैसी हो एक भी जाटों की वोट नहीं मिलेगी वहाँ बीजेपी की जो सरकार है उसने दंगे तो हटा दिए बिल्कुल। अच्छा आप देखो पिछले 5 साल में मुझे फड़ंग में कोई दंगा हुआ नहीं जबकि यहाँ हर महीने दंगा होता था हर महीने इस कस्बे में यह भी बुरा हाल था किसी का पहिया लग जाओ 5-7 आओगे पिटाई शुरू हो जाती लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ बहुत अच्छा। क्या अखिलेश सरकार में हर महीने दंगा होता था हर महीने क्या होता था जी ऐसा तो नहीं है कानून व्यवस्था में सुधार है सड़कें बनी है इन दो कामों के अलावा योगी सरकार में और कुछ नहीं हुआ ये दो काम तो हुए हैं जो मानने की बात है वो माननी पड़ेगी। नाम क्या है आपका नौशाद। अच्छा नौशाद जी आपको लगता है कानून व्यवस्था में सुधार है कानून व्यवस्था में सुधार है सड़कें बनी है इसके अलावा महंगाई बढ़ गई बिजली यूपी में सबसे महंगी है रेल किराया बढ़गा पहले घंटा बिजली आवा थी और 24 घंटे नदारद रहे थी अब 24 घंटे आवे 1 घंटा नदारद रहे क्या नहीं हुआ 24 घंटे है जी बिजली 24 घंटे बिजली ये नौशाद तो कह रहे काम नहीं हुआ बिजली अखिलेश को दिलवाएंगे अखिलेश को अखिलेश बिजली अखिलेश के टाइम से ही सही होगी थी पैसे नहीं गए आपका क्या नाम है मेरा नाम राजेश है। राजेश जी क्या माहौल है माहौल अच्छा है कोई दिक्कत नहीं राशन भी 2 साल तक कोरोना काल में भी वैसे भी और सब काम महंगाई तो बढ़ती रहे महंगाई क्या भाई 6 बजे कट्टे वाले खड़े हो जाते सड़क पे अच्छा और हमारी हिम्मत नहीं बढ़ती 2 किलोमीटर दूर गांव है गांव में चले जा अच्छा अगर देर घर वाले पूछे थे कहाँ हो भाई आते नहीं क्या हमें पैसे नहीं चाहते तुम जाओ वो माहौल बिल्कुल दुरुस्त हो गया सुरक्षा क्या चाहिए हमें चाहिए सुरक्षा सुरक्षा मिल रही होगी सरकार ने सुरक्षा मिल रही है पहले क्या था पहले तो कहीं भी घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था घर से बाहर निकलना भी मुश्किल था। सुनिएगा 430 रुपए का सिलेंडर था अब 1050 का सिलेंडर मिला है 1000 रुपए का रोजगार है नहीं सिलेंडर घर कहाँ से चलाएंगे क्यों नहीं है भाई पहले इस्तेमाल करने वाले 50 थे 500 है अच्छा एक ने 10-10 बच्चे पैदा हुए कहाँ था वो सिलेंडर किसने कर दिया 10 बच्चे जिसका सबसे महंगा सिलेंडर लग रहा अच्छा जब पहले इस्तेमाल करने 50 थे 500 है तो महंगा तो होगा कहाँ से होगा सिलेंडर 3 बजे लाइन में लगते थे सिलेंडर के लिए 4 बजे फोन लगे बताओ अब ये सिलेंडर के लिए सिलेंडर लेके साहब चले जाओ लाइन में लगना पड़ रहा पैसे नोटबंदी के लिए लाइन में लगना पड़ रहा किस चीज के हर चीज में लाइन में लगना पड़ रहा है अच्छी बात है लाइन में लगना सबको लगना पड़ रहा है सबको लगना पड़ रहा है नहीं जी सरकार अच्छी है लाइन में लगना सरकार अच्छी है तो महंगाई के बाद भी अच्छी है हाँ जी अच्छी महंगाई तो हर सरकार में बढ़ी इतनी और महंगाई सिलेंडर हो जाए 5000 का 5000 का सिलेंडर हो जाए कोई दिक्कत नहीं 5000 का हो जाए कोई दिक्कत नहीं जान बची रहे यूनिट जो है 1000 रुपए यूनिट हो जाओ 500 रुपए यूनिट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं अरे भाई क्या दिक्कत है वो साथ जी है तो कह रहे 5000 का हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं इनके लिए नहीं होगा जिन मजदूरों के लिए रोजगार नहीं है काम बंद हो रहे कंस्ट्रक्शन का सब उठा ले 150 रुपए की मजदूरी थी अब 500 रुपए की मजदूरी है कौन सी नहीं है अजी कुछ फायदा भी है भाई रोजगार ही नहीं है रोजगार चला गया बताओ रोजगार कौन सा चला गया कौन सा रोजगार चला गया रोजाना भर्ती हो रही है रोजाना सब काम हो रहे हैं क्या क्या दिक्कत है भाई केवल उन लोगों को दिक्कत है जिन्हें नंबर 2 के सब काम खत्म हो गए सब खत्म नंबर 1 नंबर 2 के कौन से काम कोई दिक्कत नहीं नंबर 1 के पैसे में किसी को कोई दिक्कत नहीं आपका नंबर 1 का है तो आपको दिक्कत नहीं है नहीं महंगाई हो रही काम करके रहो सब काम चले ही है ऐसे ही महंगाई तो हर सरकार में जैसा कीमत बढ़ेगी बाजार में कारोबार बढ़ेगा महंगाई तो होगी जरूर जी को तो दिक्कत है तो क्या नंबर 2 के तीन का नहीं ये मैं इन्हें नंबर 2 के नहीं कह रहा नंबर 2 के जो गज्जे लगा कर नहीं लगते नंबर 2 के पहले नंबर 2 के ही लगे थे स्कूल खोल लिया स्कूल में छात्रवृत्ति नहीं पी गए बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी ताऊ जी एक और चीज है जब यहाँ पर आते हैं बुढ़ाना साइड में आते हैं मुजफ्फरनगर बड़ोत बागपत में जाते हैं तो एक चीज नजर आती है
कि देखिएगा जो गठबंधन हुआ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का, तो उसका क्या असर है यहाँ पर, क्योंकि जाट बेल्ट है। जीरो जीरो जीरो। एक तरफा सूपड़ा साफ है बीजेपी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक तरफा गठबंधन का सूपड़ा साफ है, दल का जीरो। दोबारा परसों रैली थी बीजेपी की, एक दोबारा बीजेपी आदमी था, सारे काम नंबर एक जाट अब जाट है सरकार में, और लोकदल जाट का हमें भरा जाट में। मैं जाट कमेटी से हूँ और लोकदल के पीछे जाट है, एक वोट नहीं मिलना जाटों का, वोट बंधन के नाम पर नहीं मिलना, गठबंधन नाम पर नहीं मिलना। अकेले होते जिन चोरों ने इलाज करा हमारे साथ गठबंधन कर ले, क्या मतलब क्या इलाज किया, क्या नहीं किया बीजेपी उसने, अखिलेश ने क्या किया, दंगा उसने कराया, उसने करा आजम खाओ उसने लगा के, अच्छा अच्छा दंगा किसने रामपुर वालों समझ दंगा यहाँ करा, अच्छा हाँ, और उनके साथ हम गठबंधन कर रहे हैं, जाट वोट नहीं दे रहे, एक वोट नहीं मिलेगा किसी, हो एक भी जाटों की वोट नहीं मिलेगी। परसों बीजेपी की रैली थी, एक ट्रैक्टर पे एक आदमी, एक गाड़ी में दो आदमी, बस यो था और कुछ नहीं था, पूरी ट्रैक्टर ट्रोली भर भर के गई थी, भर भर के गई थी पूरी ट्रैक्टर, खाली हम खुद गए थे, एक नंबर की सरकार है बीजेपी, एक नंबर की, जिंदाबाद दोबारा बीजेपी सरकार है भाई, इधर कैंडिडेट तो दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, अच्छा आप अरे भाई साहब आराम से एक एक करके बोलिएगा यार, बात कर लेंगे बहस के ऊपर, आने वाला टाइम अपना बना दे, कौन आवेगी कौन नहीं आवेगी, ये नु कह रहे ना, कहना है एक ही आदमी था उस पेट्रोली पे, ट्रोली पे एक आदमी का क्या मतलब, ट्रोली पे वहाँ तो बहुत ही आदमी थे, अच्छा भारतीय जनता पार्टी की उसमें जो पार्टी में, अरे भाई हमें पता है वो सब जो बता रहे ना, कहने का एक एक कक था, एक कक नहीं था उसमें बहुत ही आदमी थे वहाँ पे, चलो भाई 500 में आ रहे हो या 1000, लेकिन जो बात है हाँ ताऊ जी क्या लग रहा है, जैसे गठबंधन हुआ है, गठबंधन का क्या असर नजर आता है यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, जब जाते हैं तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव एक साथ आए हैं, तो इसका कुछ असर है या नहीं है? नहीं है, इधर आए नहीं है, नहीं है कोई असर नहीं है, नहीं कुछ नहीं असर है, तो दो चार वोट मिल जाती है, गठबंधन के साथ एक वोट नहीं मिलेगी, गठबंधन के साथ जाने से वोट नहीं मिलेगी किसी को, ऐसा क्यों जाट क्यों नाराज हो गए, जाटो इलाज कर क्या ना अखिलेश ने, अच्छा तो धरती में बता दे जाट, तुमने अगर रख दिया बीजेपी ना आती हो तो धरती में उतार दिया जाट, तो अखिलेश ने क्या बीजेपी नहीं आती तो धरती में उतार दिए थे, अच्छा हाँ उनके साथ दंगे हुए वही जेल में, अच्छा दंगा करने वाले खुले घूम रहे, हमारे तो जा रही है इसमें बीजेपी ने बचा दिया, हाँ खत्म हो गया था खेल, नहीं जी सरकार खत्म हो गया भाजपा की, क्या कह रहे अगर बीजेपी ने आती तो मामला बहुत खराब था, सरकार योगी की बढ़िया चल रही, जब से योगी सरकार आई गुंडागर्दी खत्म, इधर आई लूटमार खत्म, ऐसे घूम ऐसे घूम, क्या नाम क्या है आपका, श्रीचंद जैन, अच्छा जैन साहब क्या लगता है, देखिएगा आपको माहौल देख रहे हैं आप, पहले की सरकारें भी देखी हैं, तो अब जो योगी जी की सरकार है वो कैसी सरकार लगी है, ऐसी सरकार अब तक आई नहीं, ऐसी सरकार अब तक आई नहीं, गुंडागर्दी खत्म, अच्छा सड़कें बहुत बढ़िया बन गई, बिजली बढ़िया आ रही, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है, दो नंबर वालों को दिक्कत हो रही और किसी को दिक्कत नहीं, दो नंबर वालों को हो रही, दो नंबर के हैं, कोई जो जिसमें भी है, एक नंबर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए भाई साहब सुनिए, अरे देखिए इधर जो लोग खड़े हैं ये सब कह रहे हैं अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है, ऐसा कुछ नहीं है, 100 के 100% आवेगी बीजेपी, रुकने की नहीं, 100 के 100 रुकने की नहीं किसी पर भी, आवाज पीछे से बहुत आ रही, कोई कैमरे में बोलने के लिए तैयार नहीं है, बीजेपी जो भी बोलती है उसी का इलाज करती है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है, ये बाकी पक्षपात हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, दो चीजें हुई वो मानेंगे, बिजली में पक्षपात कैसा हो रहा है बताइए, पक्षपात हो रहा है कैसा हो रहा है बीजेपी में, बीजेपी वाले हैं बताइए, बीजेपी वाले हैं उनके काम हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ बोल रहा उनका इलाज हो रहा, उन किसी पे कोई मुकदमे लग रहा है, किसी पे कुछ हो रहा ये हो रहा है, मुकदमा कोई कोई नहीं है, 2000-2003 पे कोई मुकदमा लगा, ये देख रहे पीछे से कितने, आपने बताओ आपके साथ मुकदमा लगाया कोई, कोई मुकदमा आप पर लगा, आप पे कोई लगा है,
नहीं मेरे पे तो लगा और बहुत जानने वालों पे लगा, पे लगा भाई बंदों पे लगा, क्या बोला बहुतों पे लगा, अब ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे ये कह रहे हैं कि जो पहले की सरकार थी अखिलेश की 2013 में दंगा हुआ था तो आजम खान ने यहाँ पर चुन चुन के टारगेट यही सा हुआ था इस कस्बे से ही शुरुआत यहीं से हुई थी नहीं गलत मोमडन मतलब एक मोमडन से मुकदमा हुआ हो एक भी आदमी के साथ एक तरफा काम एक तरफा खुली गुंडा कर दिया जेल में पड़े लोग क्या हुआ था मतलब हिंदुओं को टारगेट कर रहे थे टारगेट किया गया था चुन चुन के टारगेट किया गया था चुन चुन के घर से उठा उठा के लेके लोगों को मैं अभी एक गांव में था साहा डब्बर गांव है तो मैं बातचीत कर रहा था तो वहां पर कोई थे ताऊ जी तो बता रहे थे कि अगर कोई खासकर जाटों के बच्चों को अगर कोई दिल्ली भी कोचिंग कर रहा है तो उन पर भी मुकदमे लगा दिए गए ऐसा कुछ था क्या ऐसा हुआ अभी जेल में लोग बात अभी जेल में उस लोग क्या ये ऐसी कुछ है ऐसा नहीं है जो जिस पे लगा है वो तो यही कहेंगे कि भाई ऐसा ही हो रहा ऐसा नहीं है दोनों तरफा मुकदमे तो अखिलेश बढ़िया है योगी बढ़िया ये बताइए देखो जी अखिलेश बढ़िया है अखिलेश सरकार में रोजगार भी मिला महंगाई इतनी दी आम आदमी को क्या चाहिए पैसे वाले के लिए तो कोई मुद्दा नहीं है बताइएगा गुंडागर्दी अखिलेश में ज्यादा थी या योगी में ज्यादा है गुंडागर्दी में अब सुधार है अखिलेश में थी गुंडागर्दी हाँ इसके मुकाबले अखिलेश में मैं मानता हूँ गुंडागर्दी देखो मैं ऐसा सुनिए रोशद किसी का भी सुनिए तो सुनिए आ जाओ सुन लो आइए भाई साहब उसको छोड़िएगा आइए भाई साहब आइए अरे क्या नाम क्या है अरे सुधीर ठाकुर साहब ठाकुर साहब क्या लग रहा है माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में माहौल जैसे भैया खड़े हैं बीजेपी सारे जो भी खड़े बीजेपी है भाई कह रहे हैं नौशाद कह रहे नहीं है नहीं बीजेपी है भाई 101% है कोई महंगाई वो जानता बीजेपी है भाई 2 तारीख में आ रहा हूँ आजकल बीजेपी के सपोर्ट है मोदी जी आ रहे हैं अब योगी भी 2 तारीख में अरे क्या लग रहा है मोदी जी का स्वागत कैसे करेंगे बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास वाला नंबर एक वाला बैटिंग वाला 101% वाला अरे अखिलेश कह रहे बाबा तो गए अखिलेश गया खत्म है उसकी तो कह रहे बाबा गए बाबा नहीं जाने का बाबा तो देखे हो रहा ठीक है योरा अरे भगवान नया नया खरीदा है क्या खरीदा क्या 3 तारीख को वही जाएगा योगी की रैली के लिए हाँ सुनावा वहीं पे जाने की वहीं पे क्या लग रहा है जो यहाँ के लोग हैं क्या पहुँचेंगे वहाँ पर सब पहुँचेंगे पहुँचेंगे ये तो मना कर रहा है कौन सा मना कर रहा है भाई हम भी रहेंगे यार अरे चलिए कौन सा गांव है आपका गांव कितास कितास जी चलिए ठाकुर साहब का मानना है कि बेहतरीन वाली भाजपा आ रही है और अखिलेश जा रहे हैं है ना तो खत्म कैसे खत्म ही है जी वो तो पानी खत्म ही है उसके तो नहीं ये सब तो कह रहे हैं अखिलेश भाई साहब जी कौन सा कह रहा भाई भाई को सुकून दिया जा बता क्या कह रहे भाई साहब भाजपा की गठबंधन खत्म बिल्कुल भाजपा का योगी के चाहने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर जय श्री राम हो गया अच्छा अभी अखिलेश के चाहने वाले कितने लोग हैं यहाँ पर अच्छा चलिए यहाँ पर योगी के चाहने वाले कुछ ज्यादा ही नजर आ रहे हैं या फिर अखिलेश वाले हाथ नहीं उठा रहे डरते हुए इन सब भाइयों का प्रेम भाव है और ये जो है पब्लिक है सब सारी पब्लिक है सब मेल जोल के करेंगे जो करेंगे हमें किसी ने कहा बात यार कोई चमार हो कोई मुस्लिम हो कोई हिंदू हो कोई नहीं इसमें हमें कोई मतलब नहीं है सब बराबर है हमें सिर्फ क्या है हमें कुछ अच्छा चाहिए ठीक है वो अच्छा हो रहा है देख भी रहे हो तो उसके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे।